दोस्तों कहते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए कि हमारा जिसके अंदर जाने का मन करे, हमारा वहां पर रहने का मन करे। तो दोस्तों इसी तरह का आज हम हाउस लेकर आपके सामने आ चुके हैं। आज का ये प्लॉट साइज की बात करें तो आज का प्लॉट साइज 30x50 फिट का है। अगर इसकी हम गज में बात करें तो 166 गज का ये प्लॉट है। और दोस्तों इस हाउस की जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाइलाइट्स आप देख रहे हैं और इसके डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट इसी चैनल पर लेकर हम आते रहेंगे। और दोस्तों इस बार हमारी ये जो 30x50 की सीरीज चल रही है ये ईस्ट फेसिंग है, इसके बाद वेस्ट नॉर्थ साउथ फेसिंग की वीडियोज भी आएंगी। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बाद हम नई नई आगे की जो सीरीज है उनको हम कंटिन्यूज रखेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। दोस्तों इसके बाद आप हाउस का फ्रंट का जो बाउंड्री वॉल का डिजाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पर गेट के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर हम इसके एलिवेशन की यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर एलिवेशन काफी मॉडर्न स्टाइल में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बाद हम एंटर करते हैं। आपको यहाँ पर एक पेडिस्टन गेट अलग से देखने को मिल जाएगा और ये एंट्रेंस आपको एक साइड में देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपके घर में अगर कोई मेड आती है तो उसके लिए आपको अलग से वहां पर गेट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद आपको फ्रंट में एक छोटा सा पार्क देखने को मिल जाएगा। ये है हमारे हाउस का एक पार्किंग एरिया और इसका साइज 12x18 फिट का है। आपको साइज नीचे मेंशन होते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। तो इसके बाद हम एंट्रेंस लेते हैं हमारे हाउस के हॉल एरिया की तरफ। आपको यहाँ पर अच्छा एक डाइनिंग देखने को मिल जाएगा और आप ऊपर की साइड देखें तो आपको यहाँ पर डबल हाइट में जो हॉल देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक साइड में हैंड वॉश एरिया भी देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक साइड में हाउस का ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको हाउस का यहाँ पर मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आप इस किचन को देख सकते हैं और इस किचन का साइज 12x9 फिट का है, जो कि आपको यहाँ पर एक अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पर एक अलग से डोर देख सकते हैं। ये डोर आपके घर में अगर कोई मेड आती है तो उसके लिए अलग से आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जो ये एंट्रेंस है ये आपके हाउस में गेस्ट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाउस का जो ड्राइंग रूम है इसका एक गेट हमारे हाउस की यहाँ पर गैलरी की तरफ खुल रहा है, जो हमने अलग से दी हुई है। और आप दोस्तों इस ड्राइंग रूम का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और इस ड्राइंग रूम का साइज है 10x6x12 फिट का। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग और अच्छा आपको यहाँ पर वुडन वर्क देखने को मिल जाता है और सामने आपको यहाँ पर एक अच्छा टीवी पैनल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हाउस के हम कॉमन टॉयलेट की बात कर लेते हैं। इसका साइज हमारा 10x4 फिट का है और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। ये आपका साइज इनफ है और हमने इसकी 8 फिट की हाइट पर यहाँ पर एक शाफ्ट दी है जो आपके इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए है, क्योंकि ये टॉयलेट हमारा हाउस के सेंटर में बना हुआ है। तो आइए इसके बाद हाउस के फर्स्ट बेडरूम की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इंटीरियर काफी अच्छा और शानदार देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस बेडरूम का साइज आपका अप्रोक्स 15x11 फिट का रहेगा और आप देख सकते हैं अच्छा आपको इंटीरियर, सामने वार्डरोब और एक साइड में आपको यहाँ पर टीवी पैनल देखने को मिल जाता है। और जो इस बेडरूम के जो इस बेड की पोजीशन है वो हमने वास्तु के हिसाब से रखी है, तो इसलिए इसी तरह से यहाँ पर बेड लगा हुआ है। और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है और इस टॉयलेट का साइज 9x5 फिट का है। और देख सकते हैं अच्छा इंटीरियर, आपको यहाँ पर काफी अच्छा एक साइज का टॉयलेट देखने को मिल जाता है और इसकी वेंटिलेशन हाउस के बैक साइड में होगी, जो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं।
ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये है हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम और इसका साइज 13x11 फिट का है। आपको यहाँ पर अच्छे हम साइज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दोस्तों इस हाउस प्लान को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसकी एक छोटी सी पेमेंट है, वो आप करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख लीजिए अच्छी सीलिंग, और आपको इस हाउस के बैक साइड में यूटिलिटी प्लस वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है। और इस यूटिलिटी एरिया का हमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आप यहाँ पर हाउस की बालकनी भी दे सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप देख सकते हैं वीडियो में, जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। तो आइए चलिए हम इसके बाद हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। आप स्टेयर देख सकते हैं, स्टेयर आपको 3 फीट और 6 इंच वाइड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और जो ऊपर का ओवरऑल व्यू है आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर साइड में एक पैसेज एरिया देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने हाइट इसकी डबल रखी है, इसीलिए आप देख सकते हैं अच्छा आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आइए चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के टेंपल रूम की तरफ चलते हैं, यानी हमारे हाउस का पूजा रूम एरिया। आप देख सकते हैं इस पूजा रूम का साइज आपका 6 फीट 9 इंच बाय 4 फीट और 6 इंच का रहेगा, जो कि आपको यहां पर अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। रामलला की यहां पर हमने फोटो भी लगा दी है, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये है हमारे हाउस की फ्रंट की अच्छे साइज की एक बालकनी। आपको यहां पर काफी एक बड़े साइज की बालकनी देखने को मिल जाती है, और आप का ओवरऑल व्यू देख लीजिए। इसके बाद हम आपको हाउस में आपको एक ऊपर ऑफिस रूम देखने को मिल जाता है, हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। तो आइए चलिए इसके बाद, ये है हमारे हाउस का ऑफिस रूम एरिया, और इसका साइज 12x9 फिट का है। आप यहां पर अपना एक पर्सनल ऑफिस बना सकते हैं, आप यहां पर अपना एक स्टूडियो बना सकते हैं, आप इसको मेडिटेशन रूम भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। और तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम में। एक साइड में अच्छी वार्डरोब, आपको बैक वॉल पर अच्छा डिज़ाइन, और सामने एक टीवी पैनल। और इस बेडरूम का साइज हमारा 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का रहेगा। तो आइए चलिए इसके बाद हमारे फर्स्ट फ्लोर के कॉमन टॉयलेट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज हमारा 8 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। और इसकी वेंटिलेशन हमारी पीछे शाफ्ट एरिया की तरफ होगी, जो हमने ग्राउंड फ्लोर से उठाई थी, और वो ऊपर सेकेंड फ्लोर तक जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारे हाउस का फिफ्थ बेडरूम, आप इसको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट मिल जाता है, अच्छी वार्डरोब, अच्छा इसका आपको साइज देखने को मिल जाएगा। साइज आपका नीचे मेंशन हो रहा है, और आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए। और इसके बाद जो इसका अटैच टॉयलेट है, हम आपको वो दिखाएंगे। और इसकी वेंटिलेशन हाउस के बैक साइड एरिया में होगी, और आप देख सकते हैं ये है इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट। इसका साइज 9x5 फिट का है, इंटीरियर आप देख रहे हैं, और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन भी हमारे हाउस के बैक साइड में होगी। तो दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के लास्ट बेडरूम, यानी हमारे हाउस के फिफ्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसके बेडरूम के वॉल पर लेमिनेट्स का इस्तेमाल किया है, और आपको यहाँ पर अच्छी वुडन में वार्डरोब देखने को मिल जाएगी, सामने एक टीवी पैनल, और आपको इस बेडरूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये है बालकनी। तो आइए चलिए इसके बाद हम आपको हाउस के टेरेस एरिया की तरफ लेकर चलते हैं। स्टेयर आप देख सकते हैं, स्टेयर आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस देखने को मिल जाती है, और आप ऊपर देख सकते हैं इसका ओवरऑल व्यू। और दोस्तों एक बात और, आपको ऊपर जो हमारे हाउस का ये ममटी का एरिया है, आपको यहाँ पर ऊपर स्पेस भी देखने को मिल जाता है, आप इसको एज ए स्टोरेज एरिया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे हाउस के टेरेस एरिया पर एंटर करते हैं। आप यहाँ पर टेरेस देख सकते हैं, आपको अच्छा यहाँ पर प्लांटेशन देखने को मिल जाती है। फ्रंट पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर अपना सिटिंग के लिए आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं।
और दोस्तों आप इसके बाद आप इसका ओवरऑल व्यू देखते रहिए, आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिल जाएगा, अच्छा आपको यहाँ पर सिटिंग का स्पेस देखने को मिल जाता है। और हाउस के बैक साइड में हमने यहाँ पर आपको एक परगोला भी प्रोवाइड करवा दिया है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छा अपना एक सिटिंग का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आप इसका ओवरऑल व्यू देखते रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद हमारी जो ये 30-60 की सीरीज है इसकी और वीडियोस भी आएंगी। ये जो वीडियो है ये ईस्ट फेसिंग है, और इसके बाद हमारे इसी साइज में हमारी वेस्ट नॉर्थ साउथ की वीडियोस भी आएंगी। और उसके बाद हम कुछ अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी हम आपसे थोड़ा वोटिंग करवा कर पूछेंगे, उसके बाद हम आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।